हर बार दीपावली में बनने वाली हमारे घर की ये नमकीन है, ये बहुत जल्दी बन जाती है और बनाने में ज़्यादा तेल मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे गांव में हर घर में ये नमकीन ज़रूर बनती है दीपावली के टाइम। ये बच्चे और बड़ों सभी को पसंद होती है, जल्दी भी बन जाती है, बहुत कम तेल मसाले भी बन जाती है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक आप इसे रख भी सकते हैं। ये ख़राब भी नहीं होती है, कोई भी आप एयर टाइट डिब्बे में भर करके रख लीजिए, चाहे आप जितने दिन खाइए, कोई भी अचानक आ जाता है तो चाय के साथ इसे आप परोस के बहुत ज़्यादा वो इंजॉय से खाएगा और आपकी तारीफ भी करेगा। चलिए अब बनाना, अब हम शुरू करेंगे नमकीन। आज मैं पोहा और लाई से नमकीन बना रही हूँ मुरमुरे से, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी बिना तेल के फ्राई किए हुए। आज हम तेल में फ्राई नहीं करेंगे। बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कढ़ाई रखूंगी और उसमें डालूंगी मूंगफली। मूंगफली को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी या फिर आप इसे भून लें, पर मैंने इसे फ्राई कर लिया है। जब मूंगफली फ्राई हो जाएगी उसके बाद इसे एक छलनी में निकाल लेंगे, जिससे जो भी इसका तेल होगा वो निकल जाएगा। थोड़ी देर के लिए छलनी में ही रखे रहने देंगे। इसके बाद मैं काजू फ्राई करूंगी। अगर आप कोई और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं जैसे बादाम, मखाने, तो डाल लीजिए। जो भी आपके घर में रहता है तो डाल लीजिए, उसी से नमकीन सिंपल से सिंपल बन जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालने से भी अच्छी बनती है। जो मेरे पास है मैं आज उसी से बना रही हूँ। काजू को भी मैं फ्राई करके रख लूँगी। अब उसी कढ़ाई में किशमिश को फ्राई करेंगे। गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे क्योंकि किशमिश जल्दी जलने लगती है, इसलिए इसे तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जब तलेंगे तो चम्मच चलाते रहेंगे। जब किशमिश का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा और फूलने लगेगी तो हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे, जो भी ज़्यादा होगा, और एक चम्मच डालेंगे इसमें सरसों, जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, 3-4 हरी मिर्ची ली है जो मैंने काट करके रख ली है, मीठी नीम डाल देंगे, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें हमें निकालना नहीं है, इसी में हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं पोहा की नमकीन बना रही हूँ। खड़ी लाल मिर्च डाल देंगे सूखी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब गैस को बिल्कुल हम स्लो रखेंगे, नहीं हल्दी है जो जलने लगेगी। इसे मिक्स करेंगे, उसके बाद पोहा डाल देंगे और पोहा को अब मिक्स करेंगे। इसे 7-8 मिनट तक हम मिक्स करते रहेंगे। गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे, जब तक पकाएंगे जब तक पोहा अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। देखो चलाते चलाते कलर कितना ज़्यादा हल्दी का आ गया है। गैस को हमने स्लो करके ही पकाया है। पोहा हमारा अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, जिससे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स करते बन जाए। इसी में डाल देंगे जो हमने काजू मूंगफली फ्राई किए हैं। आप चाहे तो मूंगफली को काजू को भून भी लें, रोस्टेड कर लें। इसी में किशमिश डालेंगे, ये भुने हुए चने की दाल है तो इसे मैंने फ्राई नहीं किया है। अब 1 चम्मच चीनी का पाउडर डाल देंगे, चीनी को मैंने पीस करके रख लिया था। अब इसे मिक्स करेंगे। जो हमारी पोहा की नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी है, बनाने में बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। इस नमकीन को इस दीपावली में आप ज़रूर बनाइए। थोड़ा सा नारियल डालेंगे क्योंकि बच्चे आ जाते हैं जब किचन में कोई भी, तो दिमाग बढ़ जाता है, इसलिए मैंने काट करके रखा था, बगल में रखा रहा, मुझे याद नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया है। पर आप इसे तेल में फ्राई करके ही डालना, तेल में फ्राई कर लेना। आपके साथ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, सबके साथ में होता है, मेरे साथ में तो अधिकतर होता रहता है। कोई अगर किचन में आ जाता है तो याद नहीं रहता।
अब हम लाई वाली जो मुरमुरे हैं उसकी बनाएंगे नमकीन। उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे, उसके तेल गरम हो जाएगा, सरसों डाल देंगे, चना दाल डाल देंगे, 4-5 हमने लहसुन की कलियां ली हैं जो उसे भी डाल देंगे, मीठी नीम डालेंगे, अब इन्हें फ्राई करेंगे, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे खड़ी, इसमें मैं काजू है जो काजू और कुछ और किशमिश नहीं डाल रही हूँ, सिंपल ही बना रही हूँ। अब मूंगफली डाल देंगे, चना दाल जो भुंजी हुई रखी थी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, यह वाली नमकीन जो बना रही हूँ ये नमकीन भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चटपटी टेस्टी बनती है। अब तेल में ही हम फ्राई कर लेंगे चना दाल को और मूंगफली को, साथ ही मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। अब गैस को स्लो करके हम मुरमुरे डाल देंगे, इसे भी 7-8 मिनट तक इस गैस को स्लो करके भूंजेंगे। अब 1 चम्मच इसमें भी चीनी का पाउडर डालेंगे, अब इसे मिक्स करेंगे। यह नमकीन भी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा चटपटी क्रिस्पी बनती है। अब चाहे आप ये नमकीन बना करके महीनों रख लो तो ख़राब भी नहीं होती और वो सॉफ्ट भी नहीं होती है, ऐसी ही नमकीन बनी रहती है। 2 से 3 महीनों तक आप आराम से रख सकते हैं, पर नमकीन एक ऐसी है कि बच्चे जब भी चाहें कटोरी भर भर के खा लेते हैं, 1 या 2 दिन ही चलती है। मेरे घर में तो मीठा बहुत कम ही खाते हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा ये नमकीन वाली चीज़ें खाते हैं, इसलिए मैं नमकीन ही ज़्यादातर बनाती हूँ और मीठा बहुत कम ही बनाती हूँ। ये हमारी मुरमुरे की भी नमकीन बनकर बिल्कुल रेडी है। ये तो और ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा चटपटी बनी थी, आधी बची आधी तो ख़त्म हो गई है। इसमें भी मैंने नारियल डाल दिया है क्योंकि याद नहीं था पहले, इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, पर आप इसे तेल में ही डालना फ्राई करके। तो हमारी चटपटी टेस्टी नमकीन बनकर तैयार है, केवल 10 मिनट में बन जाती है। आप भी ज़रूर बनाइए और अपने बच्चों और फैमिली को खिलाइए।